दोस्तों अक्सर लोग अपनी चेस्ट मसल्स को लेके काफी ज्यादा परेशान रहते हैं क्योंकि उनका सीना चौड़ा नहीं हो पाता है, फिर चाहे वो कितनी भी एक्सरसाइज कर ले उनके ऊपर असर नहीं करती है। इसका जो सबसे बड़ा कारण होता है वो होता है कि उनको साइंस नहीं पता होता है, तरीका नहीं पता होता है एक्सरसाइज करने का, इस वजह से उनके चेस्ट उनका सीना कभी भी चौड़ा नहीं हो पाता है। आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी एक्सरसाइज बताऊंगा और उसके पीछे का साइंस बताऊंगा, तरीका बताऊंगा कि करना कैसे है कि आपकी चेस्ट काफी जल्दी डेवलप हो जाए। आपने बहुत सारे एक्टर्स को देखा होगा, जैसे आमिर खान हो गए, ऋतिक रोशन हो गए, ये लोग बहुत ही जल्दी अपनी बॉडी बना लेते हैं। इसका रीजन है कि जो उनके कोच होते हैं उनको साइंस पता होता है जल्दी मसल्स को डेवलप करने का, इसलिए उनकी बॉडी जल्दी बन जाती है। तो देखो, अगर आपको अपने सीने को चौड़ा करना है तो आपको एक चीज का पहले ध्यान रखना होगा कि जो हमारी चेस्ट मसल्स होती है वो तीन पार्ट में डिवाइड होती है, तीन अलग अलग मसल्स होती हैं। पहली जो सबसे ऊपर मसल होती है उसको बोलते हैं अपर चेस्ट, उसके बाद में जो बीच में मसल्स होती है उसको बोलते हैं मिडिल चेस्ट, और सबसे लास्ट में जो मसल्स होती है जो नीचे से गोल आकार देती है हमारे चेस्ट को, उसको बोलते हैं लोअर चेस्ट। तो अगर आपको अपनी चेस्ट को डेवलप करना है तो इन तीनों पार्ट को आपको डेवलप करना जरूरी है। तो चलिए अब एक्सरसाइज की तरफ आ जाते हैं। सबसे पहली जो एक्सरसाइज है वो है इनक्लाइन डंबल प्रेस। इस एक्सरसाइज को हमें कुछ इस तरीके से परफॉर्म करना होता है, अपनी बॉडी को हमें तिरछा रखना होता है और कुछ इस तरीके का पोस्चर परफॉर्म करना होता है। इससे हमारी अपर चेस्ट काफी तेजी से डेवलप होती है। उसी के साथ में अगर आप लोग पुशअप करते हैं, जो कि डिक्लाइन पुशअप होता है, उसको कुछ इस तरीके से परफॉर्म किया जाता है। डिक्लाइन पुशअप में आपको अपने पैरों को ऊंचाई पर रखना होता है, हाथ को नीचे रखना होता है और कुछ इस तरीके से पुशअप करना होता है। इन दोनों एक्सरसाइजेस से आपके अपर चेस्ट काफी तेजी से ट्रेन होते हैं। उसके बाद आते हैं दूसरी एक्सरसाइज पे, जो कि हमारी लोअर चेस्ट के लिए जो नीचे का हिस्सा होता है, गोल आकार जहां से बनता है चेस्ट का, उसके लिए हम करते हैं डिप्स, जो कि कुछ इस तरीके से परफॉर्म की जाती है। इस एक्सरसाइज को करने से हमारे ट्राइसेप भी ट्रेन होते हैं, साथ में लोअर चेस्ट भी ट्रेन होती है। अपने शरीर को थोड़ा सा आगे झुका के आप रखेंगे इस एक्सरसाइज में तो ये काफी असरदार होने वाली है। उसी के साथ में आप लोगों को इनक्लाइन पुशअप करना होता है कुछ इस तरीके से, जिसको करने से हमारी लोअर चेस्ट काफी तेजी से ट्रेन होती है। उसके बाद आते हैं मिडिल चेस्ट पे, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप अपने सीने को चौड़ा करना चाहते हैं। इस एक्सरसाइज में आप लोगों को करने होते हैं स्टैंडर्ड बेंच प्रेस, जो कि हम लोग सीधे किसी सरफेस पे लेट के और कुछ इस तरीके से परफॉर्म करते हैं। इसमें आप लोग कोशिश करें जितना ज्यादा से ज्यादा वजन उठा पाए तो वो उतना ही आपके लिए फायदेमंद होगा। इसी में हम लोग पुशअप को किस तरीके से कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से जो नॉर्मल पुशअप होती है हमारी, कुछ इस तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। ध्यान बस इस बात का रखना है कि पुशअप आप जब भी करो तो पुशअप बहुत तेजी से नहीं करना चाहिए, जल्दी जल्दी आराम से पुशअप करना चाहिए, वो हमारी चेस्ट को काफी तेजी से ट्रेन करते हैं। तो दोस्तों ये कुछ एक्सरसाइजेज है जो आपके तीनों मसल्स को ट्रेन करेंगी और आपके चेस्ट काफी जल्दी चौड़ी हो जाएंगी। कभी भी एक्सरसाइज करो तो एक्सरसाइज के पीछे का साइंस जरूर जान लो, तभी वो आपको मदद करेगा आपकी बॉडी बनाने में। कैसा लगा वीडियो? अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।